कैसे हैं सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं एकदम ठीक हूँ। तो गाइस आज बहुत टाइम बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि बीच में वो टाइम मिल नहीं पाया, लेकिन आज का ब्लॉग भी मैंने नहीं बना रखा है। आज का ब्लॉग मेरे पापा बना के ला रखे हैं। तो आप लोग को मेरे ब्लॉग कैसा लगेगा आज का कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में। डियार जा रहे हैं अपना, और आज लखू डियार में हम जा रहे हैं और लखू डियार के आपको पूरी कला दिखाएंगे हम। ये भाई साहब है हमारे कोई यहाँ के दलबेंड के। दाइयो आपका नाम क्या था? सुविधा डियार टमटा जी। तो सर यहाँ का ये बोल्ड है, ये पूरा लिखा है इसमें। हाँ, यहाँ का इतिहास ये सांसवी पट लखुडियार जी। वैदिक आपदाओं से अपनी सुरक्षा हेतु आदि मानव ने प्रकृति के द्वारा सन्निर्मित गुफाओं और कंदराओं तथा शहरी क्षेत्रों को अपना आक्षेप स्थल बनाया जी। अतः तत्मय की स्वाभाविक कला भावना को उजागर करने के लिए इनकी दीवारों तथा छतों पर विभिन्न रंगों से तत्कालीन जनजीवन आखेट तथा विभिन्न प्रकृतियों के माध्यम से अभिन्न व्यक्त किया अभिव्यक्त किया गया है। इसी प्रकार के काल से मध्यकाल तक आने तक चित्र गुफाएं तथा शैलाश्रय भारतवर्ष सहित संसार के अन्य देशों में विद्यमान है। लखुडियार शैलाश्रय श्री उसी श्रेणी में आता है। इस शैलाश्रय की दीवार छत पर गेरुए लाल काले एवं सफेद रंगों से विदित चित्र बनाते हुए इनमें मुख्यतः विदात्विक मानव पशु वृक्ष तरंगरित रेखाएं तथा जयामिति अमित्याय आदि चित्रित किए गए हैं। अधिकतर प्रकृतियां पूर्ण तथा भरी हुई है, जबकि एकाध चित्र रेखी है रेखांकी रेखी गई है। उगेरी की हाथों से लखुडियार विचित्र शैली शालक गुफाओं क्षेत्र में प्राचीन से प्रकृति का अनुमान प्रतीक है। ठीक है, गुड गुड। ये वाली बोल्ड के भी ले लेते हैं फिर। हाँ, इसको ले लो। ये लखुडियार के बोल्ड है भाई। हाँ, चलो फिर आप वहाँ के बारे में बताओगे हमें। हाँ, लखुडियार के बारे में रास्ता बता दो दाजी। आप आओ, चलते रहो, तुम भी आओ। हाँ, चलो। यहाँ के बारे में पूरी बता दो दाजी हमें। हमें जंगल नहीं है जी। कलाकृति पुरातत्व विभागों के अंदर प्रदर्शनी उत्तराखंड के प्राधिकरण वनाध्ययन के अंतर्गत यह कुमाऊं का विचित्रकालीन विचित्र समय आदिकाल मानव के टाइमों से ये विचित्र गुफाएं प्रचलित हुई है, जिसे आज देखने के लिए यहाँ देश विदेश की सैलानियां यहाँ घूमने के लिए आया करती है। इस जगह को देखने के लिए सभी गांव क्षेत्रों से और जिलों से भ्रमण करने के लिए लोग गांव आदि सभी लोग यहां भ्रमण करने के लिए आते हैं। इस क्षेत्र का नाम है ग्राम दिघोली पोस्ट ऑफिस वाड़चना जिला अल्मोड़ा। यह अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर और ग्राम दिघोली के अंदर यह जगह स्थापित है। इस जगह का नाम प्रचलित आदिकालीन सन 1410वीं ईस्वी से पुरातत्वकालीन विभाग ने इसको 2014 से अपने अंडर में लिया हुआ है। यह मुद्दा सूचना पट है, सड़क समारक स्थल। ये यहाँ की ये लखुडियार है सर। ये लखुडियार है जी। इसका नाम लाखों का उडियार बोला गया है। लाखों का उडियार। यहाँ की जो ये ठेरी ना, ये काल्पनिक चीजें हैं। हाँ, काल्पनिक चीजें। और ये सन 2014 से जी 2010 से पुरानी 14वीं 10वीं ईस्वी से जी उकेरी के हुई कलाएं हैं जी। इसको देखने के लिए देश विदेशों की जनता ये मानव चित्र कालीन की तरफ से लिखी हुई इन्होंने जी 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 अधिकाल। अच्छा, ये लिखा है, ये लिखा हुआ है इसमें जी। ये क्लियर
कलाकृतियां पता चलता है इसमें। जी 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 जी। ये कोई हाथ से नहीं लिखा, ये रंग से नहीं लिखा है। ये उस टाइम की कलाकारी जो है इसमें जी। ये आदिकालीन मानव के टाइम से ये स्वर्ण सभ्यता है। ये देखो जी, ये चित्र है जी, ये काल्पनिक है। जी जी जी। ये राजा कचरू के टाइम का बना हुआ है जी, आज का नहीं जी। ये समय बहुत वैदिक काल टाइम से पुरातत्व के अंडर में तो ये अब आया जी। इससे पहले ये जी विश्रुक्त था। अच्छा, कचूर समय का है। लखुड़ियार की लपड़ो, ये नाम लखुड़ियार, ये भी लपड़ो काल्पनिक दृश्य से हाँ। इसको दर्शाया गया था। अच्छा अच्छा। हाँ, जो स्वर्ण हाँ। शमशान घाट है हमारा लखुड़ियार हाँ। ये सतयुग के टाइम का लखुड़ियार का नाम प्रसिद्ध है। अच्छा, सतयुग का टाइम अब हुआ, सतयुग का टाइम का है। अच्छा, ये नाम तब लखुड़ियार पड़ गया, तब इसका नाम सतयुग से। ये लिखी जो भैया पहली जवान बेटी भैया, ये पहले लिखा हुआ, इसमें पानी होता है किले। और जो कला है ये कला तुम्हारी कला आदिकाल मानव के टाइम से लिखी हुई है। अच्छा, चित्र लिखी हुई है। ये चित्र बना ये बड़ो ने ये हाँ ये। अच्छा अच्छा, ये जो है हमारे समझ में, ये तो कहाँ कहाँ विदेशों में चले गए, ये राइटिंग किसी की समझ में आई नहीं। अच्छा हाँ, ये मतलब वही मुगलों टाइम है भाई। मुगलों के टाइम का ही हाँ, हाँ, हाँ। राजा मुगलों के टाइम का है। राजा कतूर उस टाइम पे कतूर वंश का राज था हाँ, हाँ। तो उन लोग वे वैसे जंगल झाड़ी गुफाओं में रहते थे हाँ, हाँ। तो अपनी कलाकृति जो है हाँ। बना के छोड़ के चले जाते थे। ये तो बहुत पेपर में लोग बहुत तक हाँ, पेपर में है। और ये अभी बच्चों जो किताबों में आने लग गया, किताबों में आने लग गया, किताबों में आने लग गया। अच्छा था, तो ये है। अच्छा अच्छा, ये पुरातत्व कालीन की लिखी हुई। अच्छा, ये सभ्यता है। अच्छा, ये हो सकता बहुत टाइम पुराने टाइम की सभ्यता है। अच्छा 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 अच्छा, ये लिखे ऊपर, वहाँ देखो जो ऊपर लिखा था, वो ऊपर भी लिखा है। हाँ, ऊपर भी लिखा, उसी समय का लिखा था वही है। ये सब ये पत्थरों में लिखा हुआ है। ये उस समय जिस समय यहाँ कचरू का राज था, कचरू का राज था। अच्छा, उस समय का तो बहुत सदियों पुराना था फिर। हाँ, सदियों पुराना मतलब बहुत समय हो गया इनको। अच्छा, गाइस देखो, आज लखुड़ियार में आए हैं। दाजी, तुम्हारा नाम की भाई? मेरा सुधा डिया टमटा। अच्छा, दिगोली। अच्छा, पोस्ट ऑफिस। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा। अच्छा, ग्राम सब दिगोली के रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा, पुराने काल से हम लोग, हमारा जन्म ज्यादा था, भूमि हमारी यही है। अच्छा अच्छा, तो हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, अब हमको पता चला जब ये जगह पुरातत्व के अंडर में गई जी जी, तब हमारे गांव वालों को और सभी डिस्ट्रिक्ट को तभी पता चला कि यहाँ ये काल्पनिक ये चीजें है। अच्छा, तब तक कोई पता नहीं, हमको कोई पता नहीं, आज से 10 साल पहले कोई पता नहीं। अच्छा, नौकरी को 2 साल करीब पहुँच गए आर्मी के अंदर, 24 साल। अच्छा, रेजिमेंट भी किया आर्मी मेडिकल कोर्स एएमसी में। अच्छा, एएमसी में। अच्छा, तो कब समय हुआ तुम रिटायर आई? मैं रिटायर हुआ 2004 में, रिटायर हुआ, मेरे को 21 साल रिटायर हुए हो गए। अरे गुड, बहुत बड़ी बात, भल बात, तो भगवान की कृपा, सही छो। और क्या तुम्हारे नानदीन कदू सुन दाजू? मेरे बच्चे चार नानदीन, चलो कदू, चार कदू चली, चार लड़के लड़के। अरे गुड, बहुत बड़ी बात, नानदीन कहीं नौकरी करनी है? बच्चे मेरे 3 जॉब में है। अच्छा, किस चीज में? बच्चा अभी कोर्स कर रहा है। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है दाजू, बहुत ही अच्छी बात है दाजू। पार हूँ, पार गाँव नाम की भाई तुम्हारे? ये पार है ग्राम दिगोली। अच्छा, सर से दिगोली। अच्छा, ये मंदिर किस चीज है? हनुमानगढ़ी का मंदिर है। हनुमानगढ़ी का मंदिर, हनुमानगढ़ी का मंदिर है। अच्छा अच्छा अच्छा, और बनाया गया है ये तली जो गाड़ जो है, ये नाम की भाई? बिंसर गंगा नदी बहती है। अच्छा अच्छा, और बिंसर गंगा नदी। अच्छा 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 अच्छा, सुयाल नदी भाई? हाँ, सुयाल नदी। अच्छा, सुयाल नदी बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और पुरमली टॉप इनके बता दू? टॉप में जंगली इलाका है। अच्छा, यार ये बहुत जानी है, 7-8 किलो लोग नहीं। हाँ, ये तैयार हूँ कि तैयार हूँ वो सतरंगी बोलते हैं। अच्छा, सतरंगी। हाँ, सतरंगी होती तो सतरंगी खेलों का यहाँ बहुत दूर दूर बड़ी उन्हें लोग बाग मतलब उम्मीद की भाई प्रचलन। ये तो काल्पनिक चीजें हैं, पुराने टाइम का राजा पांडव के टाइम का जुआ है, वो खेलते है, पासा खेलते थे। अच्छा, उसी पद्धति को दुनिया चलती है, आज भी उसी पद्धति पर चल रहे हैं। अच्छा, वहाँ आलो ही चल रहा है। अच्छा, और सुनाओ पे तुमने इताज? बस और बढ़िया हो, सब ठीक रहो? यहाँ आने पर बड़ी खुशी हुई है। आपने पूछा और हम लोगों से पूछा, ये बात है सब चीज़। हाँ दादी, इसके बारे में अब ऐसे आने वाले समय में जो पीढ़ी नानतीन जन हमारी पीढ़ी ने उनको पता चल की मतलब यूट्यूब में हालत ये पता मुझे कि हमारी जगह में ऐसी काल्पनिक चीज है और ये चीज हमारे गाँव में प्राकृतिक चीज है, प्राकृतिक चीज जिसको हम मैंने देखे, उन्हें ज्ञान इससे हम ले और इसके बारे में हम कुछ सोचे। बिल्कुल, आजकल तो ये चीजें हैं, पुरातत्व की बात है, सब काफी किताब में बच्चों के पाठ्यक्रम में शुरू हो चुकी है। ये तो बिल्कुल ओरिजिनल चीज है, नेचुरल से बिल्कुल एकदम नेचुरल। ये जाग में हम देखो एलियो की यह चीज चुक हम गुला पत्ते नीचे आज तक की ये चुक हुई चीजें। तो अशुद दाजू, बहुत बहुत धन्यवाद तुमको, तुम हमको ये जी बता और हम आपके बहुत आभारी हैं दाजू, और धन्यवाद है।
नमस्कार नमस्कार भाई नमस्कार।